हिंदू धर्म में चार धाम की यात्रा करना क्यों है जरूरी? क्या है चार धाम यात्रा के लाभ? क्यों महत्वपूर्ण है चार धाम की यात्रा करना? दोस्तों, हिंदू धर्म में चार धाम यात्रा करना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके साथ ही 10 ऐसे काम हैं हिंदू धर्म में जो करना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। चलिए आपको बताते हैं। पहला है संध्या वंदन, दूसरा व्रत, तीसरा उत्सव, चौथा दान, पांचवा संस्कार, छठा यज्ञ, सातवा तीर्थ, आठवां वेद पाठ, नौवां सेवा और दसवां धर्म प्रचार। इसमें से चार धाम तीर्थ यात्रा और नदी की परिक्रमा करना बहुत जरूरी है। चलिए आपको तीर्थ करने के फायदों के बारे में बताते हैं। हिंदू धर्म में चार धामों की तीर्थ यात्रा करने के महत्व के संबंध में विस्तार से उल्लेख मिलता है। इसके माध्यम से व्यक्ति देश के संपूर्ण लोगों, उनकी संस्कृति, भाषा, इतिहास, धर्म और परंपरा आदि से परिचित ही नहीं होता, बल्कि वह अपने अंदर बौद्धिकता और आत्मज्ञान के रास्ते भी खोल लेता है। इसके साथ ही तीर्थ यात्रा के दौरान व्यक्ति अपने देश और धर्म को जानने का प्रयास करता है। तीर्थ पुरोहित पंडा से मिलकर अपने कुल खानदान को जानता है। तपस्वी, मनस्वी, साधु, संत आदि के आश्रमों में रुकने का मौका मिलता है, जिसके चलते मानसिक लाभ मिलता है। तीर्थ यात्रा में अक्सर पैदल चलना होता है और पैदल चलने से शरीर सुगठित और पुष्ट होता है। जंगा, भुजा, नाड़ी और मांसपेशियां परिपुष्ट हो जाती हैं। इसके साथ ही यात्राओं से हमें भिन्न भिन्न संस्कृति और धर्म की भाषा, वेशभूषा और भोजन का पता चलता है। यात्राओं से ही जान सकते हैं कि लोग कैसे हैं, उनके विचार कैसे हैं और अंततः हम ये निर्णय ले सकते हैं कि हम कैसे हैं। बहुत से लोग एक शहर छोड़कर दूसरे शहर घूमते रहते हैं। इससे उन्हें पता चलता है कि कहाँ क्या मिलता है और कितने में मिलता है। ऐसा करके वे अपने शहर में वह व्यापार शुरू कर सकते हैं जो कि उनके शहर में नहीं होता। ऐसी और भी बहुत सारी बातें हैं जो आपके शहर में नहीं हो रही हैं। अगर आप यात्रा करेंगे तो पता चलेगा कि आपके शहर, गांव या कस्बे में क्या नहीं हो रहा। जैसे कुछ लोग अमेरिका से सीखकर यहां आते हैं और अपने शहर को कुछ नया देते हैं, इसी तरह कुछ लोग अपना ज्ञान लेकर विदेश जाते हैं और उन्हें वहां कुछ नया देते हैं। तीर्थ यात्रा करने से व्यक्ति को हर तरह की जलवायु का सामना करना होता है, जिसके चलते वो सेहतमंद बनता है और नए नए अनुभव प्राप्त करता है। पहाड़ों पर शुद्ध हवा से नए जीवन का संचार होता है। अक्सर लोग जीवन के अंतिम पड़ाव में तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, लेकिन जो जवानी में गया, समझो उसने ही सब कुछ पाया, वही परिपक्व और अनुभवी व्यक्ति है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।